एक हैंड हो गया है यार। ड्रोन की बैटरीज थी वो मैं ऊपर पास पे ड्रोन उड़ा रहा था, वो मैंने साइड पे रखी हैं और दो बैटरीज मैं ऊपर बोल के आ गया हूँ। अस्सलामुअलैकुम एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी मैं जर्मनी में हूँ, एक सिटी है लिंडाउ जो कि जर्मनी, ऑस्ट्रिया और स्विट्ज़रलैंड के बॉर्डर के साथ है। यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है बॉर्डर वगैरह, और जो लेक इसके साथ लगती है इसे कहते हैं बोडेंसी। आज का प्लान मेरा ये है कि मैं बॉर्डर क्रॉस नहीं कर रहा, मैं जर्मनी में ही रह के एक सीनिक रूट ले के जर्मनी ऑस्ट्रिया के बॉर्डर के साथ साथ जाऊँगा। फुसन छोटा सा गाँव है जहाँ पर नोश्वाइनस्टाइन कैसल भी है। सामान मेरा पैक्ड है ऑलमोस्ट, आप देख सकते हैं, बाइक रेडी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू सो मच हमजा भाई, बहुत मज़ा आया। और भाभी को भी थैंक यू बोल दीजिएगा, बहुत अच्छा खाना बना हुआ था। हसीब भाई, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। सुभान अल्लाह। सो या अल्लाह, खैर खैरियत से लेके जाएं। मैं लिंडो सिटी में हूँ, लेकिन सबसे पहले इसमें डलवाते हैं पेट्रोल, क्योंकि पेट्रोल कम है। ऑलमोस्ट 50 किलोमीटर और कर जाएगी, लेकिन यहाँ से फुल करा लूँगा तो आगे मुझे कोई मसला नहीं होगा। फिर इसको खड़ी करते हैं यहाँ पे। इसके मैंने इसके अंदर से जो फ़िल्टर था जो मैंने पहले लगाया था वो निकाल दिया था, और अब मुझे पेट्रोल डालने में बिल्कुल भी मसला नहीं हो रहा। उसने तो मुझे जलील करके रख दिया था, और वो फ़िल्टर मैंने पास रख लिया है। जब पाकिस्तान या किसी जहाँ पे फ़िल्टर की फ्यूल की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होगी तो वहाँ पे मैं उसको यूज़ कर लूँगा। यहाँ पे मैंने उसको चेक किया, वो बिल्कुल साफ़ था, उसके अंदर कोई डस्ट पार्टिकल या इस तरह की चीज़ नहीं थी। तो एम ए फजूल में मैंने अंदर लगा लिया था अभी से, और मुझे 10-10, 12-12 मिनट लग जाते थे। अभी कितना डल गया इसके अंदर, 7.5 लीटर। सो ये फुल हो गई है, इसके अंदर 1.5 लीटर ऑलरेडी था। इसके अंदर डलता 11.5 लीटर के करीब, 11 लीटर। हेलो, दिस इज नुमा जीम ग्लोबिश त्राइस एन ओदा सो एल्फ या अभी तो या बिथसाल्ट फिलन दांग चूस। यहाँ से ऑस्ट्रिया और जर्मनी की तरफ जो रोड जाती है ये सामने, और आप देख सकते हैं कि वो रोड उन्होंने बंद की है, अलाउ नहीं है उस तरफ जाना ना। अभी मैं अंदर की तरफ से जो है दूसरा रोड लूँगा जिधर से मैं आया हूँ। मैंने जो सबसे पहला व्लॉग बनाया था, आई थिंक वो बनाया था राइन वैली का। जो रिवर राइन है वो यहाँ से निकलता है, इस लेक से, बोडन सी से, और ये डिवाइडेड है 3 कंट्रीज़ में, ऑस्ट्रिया, स्विट्ज़रलैंड और जर्मनी में। ट्रैक्टर वाला आ गया आगे, आगे से मुझे नज़र नहीं आ रहा। इसको क्रॉस तो करना है, अभी करते हैं जी क्रॉस। चलें, वो साइड पर ही हो गया। यहाँ पे आएंगे छोटे छोटे गांव, और सीनिक रोड है, हाईवे मैं नहीं ले रहा क्योंकि इस रोड का मुझे पता है, एक दो बार मैं यहाँ पे ड्राइव करके आ चुका हूँ और काफ़ी खूबसूरत रोड है, लेकिन गाड़ी पे ड्राइव की है, बाइक पे पहली बार आ रहा हूँ। आई थिंक काफ़ी मज़ा आएगा यहाँ पे। ये आप चेक कर सकते हैं, जो ऑस्ट्रिया की तरफ जा रहे हैं रास्ते वो सारे इन्होंने बंद किए हुए हैं। ये साथ ही ऑस्ट्रिया है, तो नॉर्मल जो है दिनों में आपको पता नहीं चलता आप ऑस्ट्रिया एंटर भी हो सकते हैं। ये आगे ये ऑस्ट्रिया राइट साइड पर मेरे। व्यूज खुले हैं अब, वो इतनी स्ट्रगल के बाद जो बंदा ऊपर आता है और फिर ऐसे व्यूज मिले, माशाल्लाह। अभी तो स्टार्ट हुई, वो कहते हैं ना अभी तो पार्टी शुरू हुई है। ये आया चॉपर वाला। घास वगैरह देखे, उन्होंने सारी काट के नीट एंड क्लीन सेट की हुई है। बड़ा ख्याल रखते हैं यहाँ पे इस तरह की चीजों का। वैसे यहाँ पे अब कहीं मिले ना पार्किंग।
सो ये जो आप मेरे अब लेफ्ट साइड पे देख रहे हैं, इसे कहते हैं जी आल्प्सी। और रश देखें आज कितना ज़्यादा है, लोग यहाँ पे आए हुए हैं स्विमिंग वगैरह करने और बीच, लेक के बीच पे बैठने के लिए। खचाखच भरा हुआ है, पब्लिक हॉलीडे है। अभी मैंने क्रॉस किया जी इमनस्टाड और हम आहिस्ता आहिस्ता अब जाएंगे आगे यॉर्क पास की तरफ, जो कि काफ़ी खूबसूरत और हाई पास है। लेट्स सी वहाँ के कर्व्स कैसे आते हैं। गांव को हमने पीछे छोड़ दिया है, अगले 6 किलोमीटर जो है वो इसी तरह के जिगजैग हैं और नीचे व्यूज जो हैं वो कमाल के आ रहे हैं। पीछे मेरे एक बाइकर है, वो बड़ा काला प्याय है, अगर उसने गुजरना हुआ तो वो गुजर सकता है, हम उसे रास्ता दे देंगे क्योंकि हम जाएंगे बड़े सुकून से। वाह, ये सारी जो है ना मेरी प्रैक्टिस इधर हो जाएगी अच्छी तरह, अगर मैंने कहीं और जाऊं तो फुल एक्सपर्ट हो जाएंगे हम इस तरह के रोड पे चलाने के। माशाल्लाह क्या व्यूज है नीचे। चल भाई रास्ता मिल गया तुझे, तू जा। अब उसकी 1200 सीसी है, हमारी 310 सीसी है, मुकाबला तो नहीं है ना। छा गया अब्रारे, जो तू कर मारना शुरू हो गया है ना, मुझे खुद ही खुशी हो रही है ये देख के कि मैं इतनी अच्छी माशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता चलाना शुरू हो गया हूँ। बहुत स्पीड से तो नहीं मैं जा रहा और ना ही मेरा कोई अभी मकसद है स्पीड मारना। एक तो वैसे भी मेरी बाइक हल्की है तो, लेकिन अपनी जो टेक्निक है उसको बेहतर करना, और वो अल्हम्दुलिल्लाह टाइम के साथ साथ जो है ना काफ़ी बेहतर हो रही है। देख लें वो इतनी स्पीड से आगे गया था और वो ही आगे ही मेरे लगा हुआ है अभी भी। छा गया तू, शाबाश अब्रार शाबाश। अब आ रही है ठंडी ठंडी हवा आ रही है जैसे हम ऊपर जा रहे हैं। तकरीबन 1000 मीटर हमने एलिवेशन गेन किया है या करना है अभी, पूरा इसका 1000 मीटर है तो अभी हमने पूरा नहीं किया लेकिन काफ़ी ज़्यादा हो गया है, बस थोड़ा सा ही रह गया है। सारे पैसे मेरी इस स्किल के हैं और मैं फर्स्ट टाइम इतने हाई पास पे चला रहा हूँ। दिल ही खुशी हो रही है कि मेरे में कॉन्फिडेंस जो है वो काफ़ी इम्प्रूव हो रहा है, आ रहा है टाइम के साथ साथ। ये सारे इधर क्यों खड़े हुए हैं, हम कहीं पास पे आ तो नहीं गए। ये ना हो कि मैं पास पे खड़े हुए, मेरे ख्याल में आ गए हैं यार, इतनी मेहनत करके पास पे हैं और पास पे हमने खड़ी नहीं की, वापस आना पड़ेगा आगे से। जैसे ही कोई जगह मिलती है ना तो मैं दोबारा से वापस उसी जगह पे जा रहा हूँ, उस व्यू पॉइंट पे जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बाइकर्स खड़े थे। अगर हमें कोई जगह मिल गई तो हम भी वहाँ पर खड़े हो जाएंगे। यहाँ पे खड़े होते हैं हम भी। तेरी खैर हो जाए, ये तो मुझे देख के परेशान हो गया सारे कि ये कौन आ गया। बहुत ही आला राइड रही है यहाँ तक की, और अभी जितने दिन मैं जर्मनी में हूँ इस तरह के पासिस वगैरह क्रॉस करता रहूँगा, उससे ये है कि मेरी जो स्किल सेट है वो और इम्प्रूव होता जाएगा, क्योंकि मैंने पहले इस तरह के पास पे कभी नहीं चलाई। रोड शोड सारे कुछ अच्छा है और यहाँ पे लोग जो है ऐसे मेरी तरफ देख रहे हैं जैसे पता नहीं कोई खलाई मखलूक आ गई है।
अब हमने पास से नीचे ही जाना है, चढ़ाई जो है वो ख़त्म हो गई है, 1000 मीटर तकरीबन नीचे से ऊपर था। एक हैंड हो गया है यार, ड्रोन की बैटरीज थी वो मैं ऊपर पास पे ड्रोन उड़ा रहा था वो मैंने साइड पे रखी हैं और 2 बैटरीज मैं ऊपर भूल के आ गया हूँ। शिट, अभी दोबारा वापस जो है वो 18 किलोमीटर की ड्राइव है, राइड है या ड्राइव है जो कुछ भी है, होपफुली कि उधर पड़ी होगी कोई उठा के ना ले गया। मुझे उम्मीद लग रही है कि उधर पड़ी होंगी। बाइकर्स भाई जो है ना वो ख्याल करेंगे कि यार रहने दे, क्या उठा के करनी है, या हो सकता है आसपास में कहीं दे जाएं, पकड़ा जाएं किसी को। वैसे ऊपर कोई ऐसा थी तो नहीं ऐसी जगह जहाँ पे वो दे जाएं किसी को, अच्छे की उम्मीद होनी चाहिए। चलें हम इसको क्रॉस करते हैं। हम लोग पास पे दोबारा पहुँच गए हैं, अब जाके देखते हैं कि उधर पड़ी हैं कि नहीं पड़ी। 1-2 मिनट की यहाँ से और राइड होगी। ओ ओ ओ, 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 ओ। बेटे Vielen Dank. Ist nichts passiert? Nichts passiert. Er hat gut aufgepasst. Vielen Dank. Oh, das kann ich hier reinwerfen. Vielen Dank. Das Problem ist, jetzt brauche ich ihn nicht. Bitte? Ich habe es nicht gebraucht. Nicht ins Motorrad. Ja, aber ich brauche es schon, sonst müsste ich neues kaufen. Kein Problem. Danke. Puh. ये होती है किस्मत। वो ले के बैठे हुए थे 2 बंदे ना, कि आपको जो है हमें ज़रूरत नहीं थी इसलिए हम ले के बैठे हुए थे। बचत होगी बचत, नहीं तो पक्का 250 यूरो का टीका था ये। 125 यूरो की आई थिंक एक आती है इसकी बैटरी। ये जो मेरे आप चेहरे पे खुशी देख रहे हैं, ये इस वजह से कि मुझे ड्रोन की जो बैटरीज है वो वापस मिल गई थी। माशाल्लाह दिन जो है वो बहुत अच्छा गुजर रहा है और जगह जगह पे लेक्स हैं, और अभी जाके मैं जिस जगह पे कैंपिंग करूँगा वहाँ पे भी 3 लेक्स हैं, तो जिस जगह से कैसल का ज़रा व्यू बेहतर आएगा उसके करीब जाके कैंपिंग करूँगा। तो अभी यहाँ के लिए डन है, जाके कैंपिंग वगैरह ढूँढते हैं। ऑलमोस्ट 5:30 हो गए हैं। आ गए जी हम अपनी कैंपिंग पे। 2-3 दिन दोस्तों की तरफ याशी करने के बाद आज दिन आ गया है कि मैं अपनी कैंपिंग करूं, और यहाँ पे देखते हैं जाके। या क्या घटिया जगह मिली है कैंपिंग की। Danke schön. Ja, vielen Dank. हद्दी होगी, मैंने सोचा था कोई अच्छा अच्छा व्यू आएगा। ये मसला होता है यार इस तरह की कैंपिंग का। हेलो बेटे, वरुम हाबिश में तो रात वालिश फारन मोचते में दे तो रात वरुम इस्तफा रात। तो इसको हम ना साइड पे करके अपने ना, अच्छा बहुत तेज़ था, पूछ रहा था कि तेरे पास मोटरसाइकिल क्यों है और ख़ुद जो है साइकिल पे बैठा हुआ। मैंने अंकल को बाय बाय नहीं किया था, मैंने कहा चलो इनको ना हेलो हाय कर दूँ, बड़े आज इसकी वजह से मेरी बैटरीज जो है ना वो बच गई हैं। सो इश वोल्टे मिश बिदंकन फीलन दंक दस वाह सुपर हम से फील गोल्फन एंड फीलन दंक और दिश बॉ मैंने सेल्स ये साफ थैंक यू शन Danke, tschüss. Schön, wenn du schöne Fotos mit nach Hause bringst. Ja, das war sehr schön. Danke. So, hier ist meine Jagd. Und ab lagana ist für Tent. Tent ist sehr pelle, die Schaum, also für Kana Pina wie Karne.
टेंट तो मैंने लगा लिया है, लेकिन अभी खाना बनाने के लिए लिटरली मेरे में हिम्मत नहीं हो रही और ना ही मेरा स्पागेटी नूडल्स वगैरह खाने को दिल कर रहा है। यहाँ पे जो कैंपिंग है वहाँ पे रेस्टोरेंट वगैरह है, तो मेरा प्लान है कि वहाँ पे जाके चेक किया जाए, कोई पिज़्ज़ा वगैरह मिल जाए। चलते हैं वहाँ जाके चेक करते हैं कि क्या कुछ मिलता है। Kann man auch hier essen? Wie? Kann man auch hier sitzen und essen, oder? Ich bin auch hier essen, ja. So viel zur Stunde haben wir noch Zeit. Okay, danke schön. Danke. पिज्ज़ा बहुत अच्छा था या फिर मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी। मैंने बस मिनटों में वो मुकाया और अभी मैं शावर लेके अपने टेंट में बैठा हूँ, सोने की तैयारी में हूँ। बाकी ये कि मैं कैंपिंग के बारे में आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताऊँगा, क्योंकि इस पर काफ़ी लंबी बात होगी। उसके अलावा जिस मैं एरिया में हूँ, ये फुसन इसे कहते हैं, छोटा सा गांव, और साथ में नोइश वाइनस्टाइन कैसल है। और नेक्स्ट व्लॉग जो होगा वो इस एरिया के बारे में होगा। बाकी ये कि आज का मेरा दिन बहुत अच्छा गुजरा, बहुत खूबसूरत दिन गुजरा, और स्पेशली जो अंकल जी ने मुझे ऐसी ऐसी जगहों पर लेके गए। मेरे साथ पिछले 10 साल में कोई ऐसा वाकया नहीं हुआ कि जिसमें जर्मन इतना हेल्पफुल रहा हो, लिटरली ये पहली बार हुआ। सो ही वॉज़ वेरी नाइस गाय, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बैटरीज मिल गई, वरना ये जो है 300 यूरो का मुझे जो टीका लग जाना था। खैर, होपफुली आप लोगों को मेरा व्लॉग आज का पसंद आया होगा। मेरा तो बहुत अच्छा दिन गुजरा, अभी मैं बहुत थका हूँ। और अगर आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आया तो उसको लाइक करना ना भूलिएगा, और आप लोगों से मुलाकात होगी अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।